सबसे पहले अलका लामा जी, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूं, क्योंकि ये जो वंशवाद की राजनीति का खात्मा करना है, ये जो बीजेपी ने एक नारा दिया था और जिस दम पर वो आज तक भी हर चुनावों में उतर भी रही है, शुरुआत वो 2014 में हुई थी और सबसे ज्यादा अगर कोई बीजेपी के निशाने पर रहा तो वो कांग्रेस रही। बिल्कुल स्वाभाविक है, कांग्रेस निशाने पर इसलिए रहेगी क्योंकि पूरे देश में एक ही ऐसी पार्टी और एक ही ऐसा नेता है राहुल गांधी जो भाजपा की जो राजनीति है नफरत और जहर की उसको ललकार रहा, इसलिए चुनौती हमें मिलेगी, यह स्वाभाविक है। अब दूसरी बार परिवार और वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, उदाहरण देती हूं, मुफ्ती परिवार जम्मू कश्मीर का किसने सरकार बनाई? भाजपा ने मिलकर उनके साथ सरकार बनाई, उस परिवार का तो नाश किया, पूरा जम्मू कश्मीर का उन्होंने नाश किया। आ जाइए पंजाब में बादल परिवार, छोटे बादल बड़े बादल परनीत को किसने सरकार बनाई थी? भाजपा के सहयोगी रहे लंबे समय तक, पंजाब भी जीरो हुआ, परिवार भी खत्म किया। अब आ जाइए आप ज्यादा दूर नहीं जाते हरियाणा में चौटाला परिवार चौथी पीढ़ी है, किसके साथ सरकार बनाकर बैठे हैं? भाजपा के साथ। अब इनकी बारी, अब ये बर्बाद होंगे। आ जाइए महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, किसके सबसे लंबे समय तक पुराने सहयोगी रहे? भाजपा के रहे, है ना, और आज उसी को बर्बाद। अब आप आ जाइए राजस्थान में, इन्हीं का अपना परिवारवाद, पूरा का पूरा सिंधिया, राजमाता सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया, उनका बेटा, अब तो माधवराव सिंधिया जी के बाद जो उनके बेटे जो है वो भी इन्हीं की पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं, अनुराग ठाकुर के पिताजी और अनुराग ठाकुर, कितने उदाहरण है बर्बाद करने का। इन्होंने ठान लिया है कि परिवार में शामिल होंगे, उन परिवारों के साथ उन राज्यों को बर्बाद करेंगे। तो ये संघ का परिवारवाद जो है, जो नफरत और जहर की नींव रखे हुए है, और वही दूसरा परिवार गांधी परिवार इस देश की नींव को मजबूत करके अपने खून और पसीने से आजादी से पहले आजादी के बाद आज भी सींच रहा है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये मुद्दा परिवारवाद का भाजपा के लिए हो सकता है, क्या देश के लिए ये मुद्दा है? बिल्कुल नहीं है। फिर भाजपा क्यों मुद्दा बनाती है? क्योंकि असल मुद्दों से मात्र देश का ध्यान भटकाने के लिए, गिरता रुपया, गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बढ़ता देश में धार्मिक उन्माद, शांति की अपील नहीं की प्रधानमंत्री जी ने, वंशवाद परिवारवाद के नाम को लेकर इन विफलताओं को, नाकामियों को छुपाने का प्रयास हो रहा है जिसमें वो कामयाब होंगे नहीं। ठीक है, आप कह रही हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो वंशवाद और इस तरह के परिवारवाद जैसे मुद्दों को सामने लाती है। चलिए, आपका जवाब देने के लिए राजीव जेटली जी भी अब हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी, अलका लामा को आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं एक लाइन में, वो ये कहना चाह रही हैं कि आप लोगों ने तो हमेशा उन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई जो परिवारवाद के लिए जाने जाते थे, तो फिर ऐसा शोर क्यों, इस मुद्दे को इतना फिर आप क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने डिबेट अपनी परिवारवाद के ऊपर रखी है जी, क्या परिवारवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना पड़ेगा, क्या इसकी पक्ष में बैठी है कि आज की डिबेट इस बात के ऊपर चलेगी कि हम परिवारवाद के पक्ष में, या इस बात पर चलेगी कि हमें परिवारवाद से छुटकारा पाना है। सबसे पहले निष्कर्ष यही निकलना चाहिए इस बात, आगे हम बढ़ेंगे ना इस डिबेट पर। आगे हम ही कहते हैं कि एक पार्टी अलका लामा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत सक्षम, मेहनती, ईमानदार कार्यकर्ता है अपनी पार्टी की, और ये अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होनी चाहिए। क्या अलका लामा ये बात कह सकती है? इनकी राजनीतिक पार्टी में कोई भी व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ? और कोई अगर ऐसा कह देता है तो आपने देखा होगा उनको कहाँ उठा करके फेंका जाता है। क्या किसी के पास हिम्मत है बड़े से बड़े व्यक्ति की आज की डेट में, मैं पुराने उदाहरण में नहीं जाऊंगा, मैं आज की डेट में बात कह रहा हूँ, क्या किसी भी बड़े से बड़े नेता की आपकी हिम्मत है जो इस बार कह दे कि इस बार राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के खिलाफ मैं भी खड़ा? अलका लामा जी, आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सीधे वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले इन्होंने बात कही कि क्या अलका लामा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं? मैं इनको ये कहूं, पूरे देश की कांग्रेस इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर भीतर लोकतंत्र है, जहां पर अध्यक्ष का चुनाव होता है, ऐसा भाजपा या किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं होता, ये हमें गर्व है।
जब श्रीमती सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ी थी उनके सामने चुनाव लड़ा था जितेंद्र प्रसाद जी, अब स्वर्गीय है, उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद इन्हीं के उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री है, जिन्हें परिवारवाद के नाम पर बार बार बोलते थे, कोसते थे। आज वो जितेंद्र प्रसाद भाजपा के विधायक और मंत्री और साथी अलका लांबा जी, मैं आपके पास आऊंगी, पूरा मौका दूंगी, आप एक दूसरे से सवाल भी पूछ लीजिएगा लेकिन जवाब भी जरूर दीजिएगा। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है, कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी, ABP News, आपको रखे आगे।